नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी पर। सूबे में 30 सितंबर तक 5.5 करोड़ वैक्सीनेशन का रखा गया टारगेट। बिहार में एक भी नए कोरोना के मामले नहीं आए सामने। बिहार में खेलों को बढ़ावा देगा खेल विश्वविद्यालय। अब भागलपुर कतरने की होगी खास ब्रांडिंग। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से राजधानी पटना समेत 31 जिलों के लिए 24 घंटे में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बने होने के कारण कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिस कारण से नमी की मात्रा बिहार में भी देखने को मिलेगी। इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटे में उत्तर पूर्वा और दक्षिण पूर्व के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही साथ बक्सर, भोजपुर, रोहतास, बबुआ, औरंगाबाद और अरवल के साथ ही उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में एक या दो जगहों पर हल्की से मध्य बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। सूबे में 30 सितंबर तक 5.5 करोड़ वैक्सीनेशन का रखा गया टारगेट। बिहार में दिसंबर तक सरकार ने 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब सरकार दिसंबर से पहले ही इस लक्ष्य को पाने की जुगत में लगी है। इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कल यानी कि 30 सितंबर तक 5.5 करोड़ वैक्सीनेशन को पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि मंगलवार की शाम 4 बजे तक 1,53,950 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। अब तक बिहार में कुल 5,39,40,053 लोगों को टीका लगा है, जिसमें से 4,33,05,536 लोगों को पहली और 1,06,34,517 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर दिन वैक्सीनेशन का ग्राफ बढ़ रहा है। गांव से लेकर शहर तक लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। खुद को सीईओ बताकर करोड़ों की ठगी करने वाला शख्स चढ़ा पटना पुलिस के हत्थे। ठगी करने वाले जालसाज भले ही कितनी होशियारी कर ले, लेकिन पुलिस के शिकंजे से वे बच नहीं सकते। ताजा मामले में एक ठग को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि अपने आप को कॉस्मेटिक कंपनी का सीईओ बताकर पटना के आधे दर्जन से अधिक बड़े कारोबारियों से ठगी कर चुका है। आरोपी शख्स का नाम मोहम्मद खान उर्फ फरहत बशीर बताया जा रहा है। इसने साल 2018 से अब तक में पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली से लेकर कई बड़े शहरों के कारोबारियों को कॉस्मेटिक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनवाने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है, जिसके बाद 4 दिन पहले ही पटना में 2 कारोबारियों की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाकर फ्रेजर रोड इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार में एक भी नए कोरोना के मामले नहीं आए सामने। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब शून्य हो चुका है, ये हम नहीं ये आंकड़े कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 1,44,185 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें एक भी मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि एकमात्र एक नए संक्रमित की पहचान हुई है, वो भी यह एक मरीज बिहार से बाहर का व्यक्ति है। अब राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 52 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है। बिहार में खेलों को बढ़ावा देगा खेल विश्वविद्यालय। बीते दिन पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय के युवाओं को लेकर आयोजित के कार्यक्रम में बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री आलोक रंजन ने एक बार फिर बड़े मन से बिहार को खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की बात कही। इस दौरान संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार जल्द देश का 6ठा राज्य बनेगा, जहां खेल विश्वविद्यालय राजगीर में शुरू हो रहा है। इसके जरिए देश को कई उत्कृष्ट खिलाड़ी मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देने के लिए राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। बिहार में खिलाड़ी कल्याण कोष के माध्यम से मदद की पहल की जा रही है। राज्य में प्रस्तावित 41 आवासीय एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में 31 को सरकार ने शुरू कर दिया है। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। बिहार के चर्चित करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले में आरोपितों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तेज हो रही है। बीते सोमवार को इस मामले के मुख्य आरोपी विपिन कुमार शर्मा को ईडी ने भागलपुर से गिरफ्तार करके बीते दिन मंगलवार को पटना के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इस दौरान विशेष कोर्ट में पेशी के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल उसे फुलवारी शरीफ जेल में रखा गया है और 1 अक्टूबर को उसकी फिर से पेशी होनी है। बता चले कि
विपिन कुमार शर्मा पर सृजन मामले में अधिकारियों और कई प्रमुख नेताओं के साथ पैसे के लेन देन करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। साथ ही बता दें कि घोटाला के उजागर से पहले वह बीजेपी किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी था। कांग्रेसी कन्हैया को यूपी चुनाव और बिहार के लिए मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सीपीआई से रिश्ता नाता तोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार अब बिहार यूपी के खेवनहार बन सकते हैं। दरअसल जानकारी मिली है कि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं की अन्य टीम बना रहे हैं। इस टीम में वे कन्हैया कुमार को बिहार में अपना चेहरा बना सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में बिहार में कन्हैया कुमार को कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनाकर उतारा जा सकता है। वहीं आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में भी चुनाव प्रचार करने में कन्हैया कुमार की भागीदारी तय की जाएगी। बताते चले कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। अब भागलपुर कतरनी की होगी खास ब्रांडिंग। बिहार के कई खाद्य पदार्थों को देश से लेकर विश्व स्तर पर अलग पहचान मिली है, जिसमें कई किस्म के चावल आम शामिल हैं। इसी कड़ी में अब भागलपुर की कतरनी चावल की ब्रांडिंग को लेकर एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट और वन क्रॉप के तहत भागलपुरी कतरनी बांका के नाम कर दी गई है। ज्ञात हो कि हाल ही में भागलपुर जिले को जरदालू आम और बांका जिले को कतरनी धान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से जो सूची जारी की गई थी उसमें कतरनी धान बांका के नाम कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि कतरनी की खेती भागलपुर जिले में अधिक होती है। जो भी हो, इलाके की कतरनी कहीं की भी हो, भागलपुरी कतरनी के नाम से ही बिकेगी। शाहनवाज हुसैन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन इन दिनों दिल्ली में कई मंत्रालयों के प्रमुखों का ध्यान बिहार की ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। इस बाबत बीते दिन उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उद्योगों को लगाने के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए बैंकों की जिम्मेदारी को बढ़ाया जाए और खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के प्रस्तावित उद्योग इकाइयों को लोन देने में बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने एक चिट्ठी में इस बात से अवगत भी कराया कि बैंकों ने बिहार से पैसा जमा करने के बावजूद बिहार के औद्योगिक विकास में दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम पैसे लगाए हैं। वहीं वित्त मंत्री ने संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। दो सीटों पर उपचुनाव से पहले राजद ने किया जीत का दावा। बिहार की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं और सभी ही दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। बताते चले कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर अपना दावा कर दिया है। जीत का बड़ा बयान देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीते दिन मंगलवार को पटना में कहा कि हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट जीत कर बिहार में सरकार बना लेंगे। तेजस्वी यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय महागठबंधन को करना है। धीरेंद्र मुन्ना बने लोजपा चिराग गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लोजपा भी टूट के बाद से ही चिराग पासवान ने वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बाबत बीते दिन चिराग पासवान ने लोजपा के वरिष्ठ नेता धीरेंद्र कुमार मुन्ना को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है। इस संबंध में एक पत्र भी महासचिव की ओर से जारी किया गया है। बताते चले कि धीरेंद्र कुमार मुन्ना भूमिहार समाज से आते हैं और वे पहले मांझी की पार्टी हम के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे साल 2015 में नवादा से हम पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने अपने विरोधी पार्टियों को बड़ा संदेश देने का काम किया है। जातिगत जनगणना पर उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद रखने की कही बात। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अपने पक्ष को स्पष्ट कर रखा है, मगर जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद है कि जाति के आधार पर ही इस बार की जनगणना कराई जाएगी। बीते दिन प्रदेश कार्यालय में पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि जातीय जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को कमिटमेंट किया है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई दिनों से पार्टी को मजबूती देने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कई जगहों पर उन्हें सिक्के से भी तोला गया तो वहीं सोने का मुकुट भी पहनाया गया। प्रधानमंत्री से सर्वदलीय मुलाकात को लेकर तेजस्वी ने लिखा पत्र। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग की है। तेजस्वी ने फिर से पीएम मोदी से मुलाकात की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के सर्वदलीय नेताओं का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और बिहार में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को पीएम के सामने रखे। दो पन्नों की इस चिट्ठी में तेजस्वी यादव ने हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका से बिहार को होने वाले नुकसान का जिक्र किया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा केवल घोषणाएं ही की जा रही है, लेकिन इस समस्या को लेकर स्थायी और ठोस समाधान के लिए कोशिश नहीं की जा रही है। इसे लेकर सर्वदलीय मुलाकात करने की जरूरत है।
चिराग गुट ने की मध्यवर्ती चुनाव होने की भविष्यवाणी। लोजपा के चिराग गुट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं है, इसलिए आए दिन लोजपा भी बिहार में सरकार गिराने के दावे ठोकते नजर आ रही है। इस कड़ी में चिराग गुट के प्रवक्ता ने बिहार में नीतीश सरकार के टूटने को लेकर बड़ा दावा किया है। एलजेपी प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा कि बिहार में विधानसभा के मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं और इस घोषणा को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है। साथ ही प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा कि दो सीटों पर उपचुनाव के लिए एलजेपी अपना उम्मीदवार अकेले ही उतारेगी और मध्यवर्ती चुनाव होने की स्थिति में भी सभी 243 सीटों पर एलजेपी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बंगाल सरकार ने सौरव गांगुली को क्रिकेट अकेडमी खोलने के लिए जमीन दी थी, लेकिन सौरव गांगुली की योजना वहां स्कूल बनाने की थी। कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में एक स्कूल स्थापित करने के लिए बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को भूखंड के अनियमित आवंटन के संबंध में उन्हें 10,000 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार के अब तक के मुख्यमंत्रियों में से कौन से मुख्यमंत्री आपके पसंदीदा रहे हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।